देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां इन दिनों तेज हो गई हैं। 7 चरणों में होने वाले इन चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने विशेष प्रबंध किए हैं। आयोग ने वोटर हेल्पलाइन नामक ऐप जारी किया है, जो मतदाताओं के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। इस ऐप की विशेषताओं की बात करें तो इसके जरिए मतदाता सूची में लोग अपना नाम देख सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप में नए मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने की भी सुविधा दी गई है। यदि किसी व्यक्ति मतदाता पहचान पत्र के लिए पहले ही आवेदन कर लिया है तो इस ऐप के जरिए पहचान पत्र का स्टेटस भी जान सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप में मतदाताओं को चुनाव आयोग से जुड़ी खबरें भी मिलेंगी, साथ ही चुनाव के नियमों के बारे में भी इस ऐप से जानकारी हासिल की जा सकती है। चुनाव से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत ऐप के माध्यम से की जा सकेगी। आयोग की इस सुविधा से मतदाता ये भी जान सकेंगे कि ईवीएम मशीन कैसे काम करती है। लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए सुविधा सॉफ्टवेयर भी चुनाव आयोग ने शुरू किया है। इसके माध्यम से चुनावी जनसभा सहित रैली की अनुमति लेने के लिए राजनीतिक दलों के उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सुविधा सॉफ्टवेयर में आदर्श चुनाव आचार संहिता के बारे में भी जानकारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, शिमला।